हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो RIE भोपाल, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल का मेरिट लिस्ट आ चुका है। आपने यदि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा ऑन इन द इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो आपका NCET का एग्ज़ाम हुआ था, और आप यहाँ एडमिशन के लिए आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आप लोग इसमें अपना नाम देख सकते हैं, आपका नेम आया है कि नहीं। तो इनका जो ये आज आया है और इनका डेट ऑफ काउंसलिंग है, देखिए डेट ऑफ काउंसलिंग है 30 सितंबर। ओके, एंड आप इसमें से अपना नाम देख सकते हैं। फर्स्ट में फिजिक्स जिनका मेजर सब्जेक्ट है उनका दिया हुआ है। ये आप लोग देखिए कैटेगरी वाइज सभी का दिया है, एंड देन मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक है, कैटेगरी भी लिखा है, और फिर इसमें सब्जेक्ट का स्कोर क्या है, यानी कि मैथ्स का स्कोर, एंड देन यहाँ NTA टोटल NTA का स्कोर, एंड देन यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका दिया हुआ है। आपको ये काउंसलिंग में 9:30 तक पहुँचना है, ठीक है, टाइमिंग दिया हुआ है 9:30। उसी तरह आप और भी अपना नाम देखिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप अपना नाम इसमें चेक कर लें, और आप RIE भोपाल के वेबसाइट पर भी जाकर आप अपना नेम इसमें देख सकते हैं। तो ये वेबसाइट पर ये PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ये देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस है, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपको आखिर करना क्या है। यदि आपका इसमें नेम आ गया है तो उसके बाद आपको क्या करना है। ओके, तो जस्ट वेट। यस, तो ये देखिए इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ चुका है तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। आपको लिंक दिया हुआ है, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताया गया है लिस्ट में दिया हुआ है, वो आपको उसका स्कैन्ड कॉपी सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 सितंबर को होगा। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि कल होगा। ये लिस्ट आज आ चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। अब देखिए, द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग विच शुड बी साइंड बाई बोथ द कैंडिडेट एंड द गार्जियन ऑफ पेरेंट। यानी कि आप जो स्कैन कॉपी सबमिट करोगे, ठीक है, उसमें आपका भी सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कैंडिडेट का भी सिग्नेचर होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का भी सिग्नेचर होना चाहिए। द कन्फर्मेशन ऑफ द एडमिशन विल बी कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ईमेल एंड SMS। यानी कि आपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया उसका वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल गेट ईमेल और SMS। And then the required amount of fees must be submitted online। यानी आपका जब सिलेक्शन हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा फी पेमेंट का, तो वो आपको ड्यूली टाइम में आपको फिल कर देना है 30 सितंबर तक। ओके, एंड देन आफ्टर सबमिशन ऑफ फीस ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट स्लिप at this and the payment slip should be sent with the documents। ठीक है, यानी कि यदि आपका फी पेमेंट हो गया, आपको एक स्लिप मिलेगी, आपको उसे डाउनलोड करके उसे मेल करना है इस ईमेल पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ईमेल दिया हुआ है उस ईमेल पे आपको मेल करना है। देन आगे देखिए, फीस स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। यहाँ पे फी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये BSc BEd के लिए है। ओके, मैं अभी जो लिस्ट दिखाई थी वो BSc BEd का लिस्ट था। तो देखिए यहाँ पे दिया है BSc BEd फर्स्ट सेमेस्टर का जो जनरल OBC हॉस्टल का जो फ़ी है वो 17,545 लगेगा, एंड देन नॉन हॉस्टलर के लिए 11,045। देन SC ST PH हॉस्टलर के लिए 15,045 एंड नॉन हॉस्टलर के लिए 8,545। फिर आपका ये दिया हुआ है स्टेप्स फॉर पेमेंट। आपने काउंसलिंग भी किया होगा तो आपने जो काउंसलिंग का जो फी पेमेंट किया था जस्ट उसी के तरह है आपको क्या करना है। ठीक है, आपको लिंक सेलेक्ट करना है, देन स्टेट मध्य प्रदेश, मतलब एज अ एग्जांपल दिया हुआ है टाइप ऑफ एजुकेशन गो, एंड देन RIE भोपाल प्रिंसिपल सबमिट, ये सारे आपको प्रोसेस करके
आगे आपका आपको फ़ी सबमिट करना है। ओरिजिनल स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड द पेमेंट स्लिप ऑफ फीस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड विद इन 10 डेज ऑफ द एडमिशन शुड बी सबमिटेड सेंड टू द थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट इन द एड्रेस गिवन बिलो। आपको इसका ओरिजिनल कॉपी आपको मेल पोस्ट करना होगा थ्रू स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, इस एड्रेस पे, ठीक है। एंड देन द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड 30 सितंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया काउंसलिंग होगा 30 सितंबर को 9:30 to 12:30 गूगल मीट पे होगा फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड लिंक इज प्रोवाइडेड टू यू। ओके, गूगल मीट लिंक विल बी शेयर इन हिज और आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उसी पे आपको लिंक मिलेगा ज्वाइन करने का, तो आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। एंड देन द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन दिस डेट। ये देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए था, ठीक है, और ये है बॉटनी एंड जॉलजी के लिए। तो सारे सब्जेक्ट्स के जो डोमेन्स हैं ना, तो उनके लिए अलग अलग टाइम है, यानी कि अलग लिंक होगा, ठीक है, जो उसमें रहेंगे प्रोफेसर या जो भी कंडक्ट करा रहे हैं, तो बॉटनी और जॉलजी में दूसरे कोई कंडक्ट कराएंगे। कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट टाइम टू टाइम, ठीक है। ये मैं भी आपको सारे में बोलती हूँ कि आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है तो आपको टाइम टू टाइम उस वेबसाइट पे विजिट करते रहना। अब देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वी कैन से रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इज़ फॉर एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10-12 एंड देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ द फिल एंड अंडरटेकिंग, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आपको अंडरटेकिंग फिल करके सबमिट करना है एंड देन एनटीए स्कोर कार्ड। आप देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये रहा आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, तो यही है, आपको इसे ड्यूली फिल करना है एंड देन आपको इसका स्कैन करके आपको सबमिट करना है। फिर आगे देखिए ये शेड्यूल है, ठीक है, 29 को एंड देन 29 को वेरिफिकेशन होगा, देन काउंसलिंग का भी दिया है 30 को होगा एंड देन सबमिशन ऑफ फी भी आपको 30 को ही करना है, ठीक है। तो यही था जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। नेम तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपका नेम आया है कि नहीं, तो ये था कि आपको आगे करना क्या है। ओके, तो ऐसे ही बीए बीएड का भी लिस्ट आ चुका है, आप लोग वहाँ चेक कर लीजिए, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बीए बीएड का भी लिस्ट प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, थैंक यू।